हमारा टॉपिक है नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया एंड वर्ल्ड, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक इन एस्पेक्ट्स ऑफ डीएसएसपी एग्जाम, केवीएस, एनवीएस, जितने भी लाइब्रेरी के एग्जाम है उन सभी के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक। सो बिना किसी देरी के हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। ओके, ये कुछ नेशनल एंड इम्पॉर्टेंट लाइब्रेरी है इंडिया की। सो वन बाय वन मैं आपको बताती जाऊंगी कैसे क्या है। सो सबसे फर्स्ट है नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया, जो कि वन ऑफ डिपॉजिटरी लाइब्रेरी भी है, जो कि कहाँ है, कोलकाता में। कब स्टैब्लिश हुई है? 1948 में। सेकेंड है नेशनल लाइब्रेरी ऑफ ब्लाइंड एंड हैंडीकैप, ये एक स्पेशल लाइब्रेरी के अंडर आती है। ठीक है, इसके ऊपर क्वेश्चन आता है कि किसके अंदर आती है, स्पेशल, एकेडमिक या नेशनल, इन विच लाइब्रेरी। तो ये क्या है, स्पेशल लाइब्रेरी, जो कि कहाँ सिचुएटेड है, देहरादून। इसकी कब स्टैब्लिशमेंट हुई है? 1979 में। फिर बात करते हैं नेशनल क्या है, इसे नेशनल मैन्युस्क्रिप्ट लाइब्रेरी भी कहते हैं। ये कहाँ पर सिचुएटेड है? पटना में। कब? 1891 में। डीएसएसपी के प्रीवियस क्वेश्चन पेपर में इस पे क्वेश्चन आया हुआ है कि कहाँ सिचुएटेड है, कब स्टैब्लिशमेंट हुई है, इसे रेंटल लाइब्रेरी कौन सी होती है, तो खुदाबख्श है। ठीक है, नेशनल मैन्युस्क्रिप्ट लाइब्रेरी कौन सी? खुदाबख्श ओरिएंटल लाइब्रेरी। अब आते हैं सीआरएलएल, मतलब कि सेंट्रल रेफरेंस लाइब्रेरी, जो ये कहाँ है, कोलकाता में। इसकी स्टैब्लिशमेंट कब की गई है? 1955 में। अब आते हैं नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी, तो ये कहाँ है, आईआईटी खड़गपुर में। इसकी स्थापना कब हुई है? 2018 में। अब बात करते हैं इम्पीरियल लाइब्रेरी, ये भी कहाँ है, कलकत्ता में। तो इसकी स्टैब्लिशमेंट कब हुई है? 1836 में। फिर आते हैं सारावस्ती महल लाइब्रेरी, ये कहाँ है, तंजौर में। इसकी स्थापना कब हुई है? 1918 में। बात करते हैं रामपुर रजा लाइब्रेरी की, तो ये कहाँ है, रामपुर कहाँ है, यूपी में। इसकी स्थापना कब हुई है? 1774 में। सबसे लास्ट हरे कृष्णा मेहताब स्टेट लाइब्रेरी, ये कहाँ है, भुवनेश्वर। स्थापना कब की है? 1959 में। आई होप ये बस इसके अलावा आपको नहीं पढ़नी है एक्स्ट्रा, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। अब ये सारी इंडिया की बात हमने कर ली ना, अब हम करते हैं वर्ल्ड की, जो जिनकी नेशनल लाइब्रेरी, जो फेमस नेशनल लाइब्रेरी हैं और जिनके ऊपर क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ओके, ये कुछ नेशनल लाइब्रेरी हैं, बस ये छह नेशनल लाइब्रेरी आपको पढ़नी है, यही एग्जाम्स में आई हैं, जिसमें से फ्रांस की, यूएसए और यूके, इनकी लाइब्रेरी के बारे में ज़्यादा क्वेश्चंस आ चुके हैं। ओके, और थर्ड रशिया। तो सबसे हम पहले स्टार्ट करते हैं लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस। लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस किसकी है? यूएसए मीन्स अमेरिका की, जो कि इसकी एस्टैब्लिशमेंट कब हुई है? 1800 में हुई है। फिर बात करते हैं बिब्लियोथेक नेशनल, तो ये कहाँ की है? फ्रांस की। इसकी स्थापना कब की गई है? 1461 में, मतलब 1461 में। फिर करते हैं स्टेट लेनिन लाइब्रेरी मैस्को, ये कहाँ है? रशिया की। ये कहाँ, कब एस्टैब्लिशमेंट की गई है? 1862 को। फिर बात करते हैं जापान की नेशनल डाइट लाइब्रेरी, तो जापान 1948 में इसकी एस्टैब्लिशमेंट हुई है। फिर बात करते हैं नेशनल लाइब्रेरी ऑफ जर्मनी, तो जर्मनी की इसकी स्थापना कब की है? 1912 में। फिर लंदन की, मतलब कि यूके की, यूनाइटेड किंगडम की जो नेशनल लाइब्रेरी है उसका नाम है ब्रिटिश म्यूजियम, इसकी स्थापना कब की गई है? 1753 मीन्स 1753 में। ओके, सो यहाँ पे हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है। आपको इसके अलावा नेशनल लाइब्रेरी एक्स्ट्रा नहीं पढ़नी है, ये मैंने वही पढ़ाई है जो आपके एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे इम्पॉर्टेंट है, इसके एक्स्ट्रा आपको कुछ नहीं आएगी। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा, मैंने बहुत शॉर्ट में और बहुत ईजी वे में समझाने की कोशिश की है। आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। थैंक यू।